इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, आई होप कि आप इसे ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो एम्फीबियन बेसिकली ऐसी क्रिएटर होती है जो कि लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी। अब ऐसी क्या क्रिएटर है? ऑब्वियसली फ्रॉग आप देखते हैं जो कि पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। अगर आप देखें फिशेज तो वो ज़मीन पर नहीं रह सकती, वो सिर्फ सर्वाइव करती हैं पानी के अंदर। अगर उन्हें आप लैंड पर रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगी। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जबकि जो दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। अब इनकी एग्जांपल्स अगर देखें तो आपके जहन में आता होगा सबसे पहले तो फ्रॉग है, न्यूट्स है, टॉर्स हैं, सैलामेंडर्स हैं, जो कि दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी लेग्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं जो कि लैंड पर भी मूव कर सकती हैं और पानी में स्विम भी कर सकती हैं। पानी में ये किस तरह से सांस लेते हैं? अपनी स्किन के ज़रिए। स्किन जो है इनकी, इनके ब्रेथ के प्रोसेस में इन्हें हेल्प करती है। जबकि जब ये लैंड पर सर्वाइव करते हैं तो तब इनकी लंग्स के ज़रिए ये लोग सांस लेते हैं। इनके पास स्पेशल स्किन ग्लैंड्स होते हैं जो कि यूजफुल प्रोटीन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह एम्फीबियंस जो हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी एक स्पेशल काइंड की स्किन होती है जिसकी वजह से ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन्हें स्पेसिफिक लिविंग कंडीशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा सूरज की रोशनी जो है इनके सेल्स को डैमेज भी कर सकती है, और ज़्यादा हवा जो है वो भी इनकी स्किन को ड्राई कर सकती है और डिहाइड्रेट हो जाते हैं एनिमल्स, जिसकी वजह से एम्फीबियंस फर्स्ट हैं जो बहुत जल्दी डाई हो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि किस वजह से? जब उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। इसी वजह से हमारी जो मेन रीज़न है, हमारे हाफ से ज़्यादा फ्रॉग्स जो स्पीशीज जो हैं वो डेंजर एक्सटिंक्शन में हैं। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।